दोस्तों, मधुर ध्वनि या गाना सुनना किसको पसंद नहीं है। अधिकतर लोगों की इच्छा होती है कि उनके दिन की शुरुआत किसी मधुर ध्वनि या गीत के साथ हो। सुबह सुबह पक्षियों के गीत कानों में पड़ते ही मनुष्य का दिमाग शांत और मूड फ्रेश हो जाता है। बहुत से पक्षी अपने साथी को आकर्षित करने के लिए भी गीत का सहारा लेते हैं। मधुर आवाज निकलने की कला सभी पक्षियों में नहीं होती। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सिंगिंग बर्ड के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। कॉमन नाइटिंगेल बर्ड। दोस्तों, कॉमन नाइटिंगेल बर्ड आकार में एक छोटी पक्षी है जो अपने सुंदर गीत और मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध है। यह बर्ड आकार में यूरोपीय बर्ड से थोड़ी बड़ी होती है। नाइटिंगेल एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पाई जाती है। कॉमन नाइटिंगेल पक्षी के गीत को प्रकृति का सबसे सुंदर गीत माना जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि इस प्रजाति के नर पक्षी मादा पक्षी को आकर्षित करने के लिए मधुर आवाज में गीत गाते हैं। इसकी आवाज इतनी मधुर है कि इसे दुनिया की सबसे मेलोडियस सिंगिंग बर्ड भी कहा जाता है। इस पक्षी का गीत आप सुबह सुबह या रात को ही सुन सकते हैं। कैनरी बर्ड। दोस्तों, कैनरी बर्ड भी दुनिया के सबसे सुंदर गाना गाने वाली पक्षियों में से एक है। इस पक्षी का नाम उसके मूल स्थान कैनरी आइलैंड के नाम पर पड़ा है। ये एक पालतू छोटे आकार के गाने वाली चिड़िया है। इस पक्षी के गाने का तरीका बाकी दूसरे पक्षियों से अलग होता है। कैनरी बर्ड की खास बात यह है कि यह अपने आसपास के वातावरण में आ रही आवाज की नकल आसानी से कर लेती है। गर्मियों को छोड़कर यह चिड़िया पूरी साल गाती है। इस पक्षी की प्रजाति में नर मादाओं से बेहतर गायक होते हैं। इस कारण इनकी बिक्री सबसे ज्यादा होती है। अधिकांश कैनरी बर्ड पीले रंग की होती है, जिसके पंखों पर काले और सफेद रंग की धारियां होती हैं। कैनरी बर्ड को सबसे पहले 17वीं शताब्दी में देखा गया था। उस समय केवल अमीर लोग ही इस पक्षी को पाल सकते थे। तब कैनरी बर्ड फैशन स्टेटमेंट बन गई थी। एशियाई कोयल बर्ड। दोस्तों, सुंदर गाना गाने वाली बर्ड की लिस्ट में अगला नाम एशियाई कोयल बर्ड का आता है, जिसकी अधिकतम लंबाई 46 सेंटीमीटर और वजन 327 ग्राम तक होता है। एशियाई कोयल पक्षी में नर कू कू और मादा की आवाज निकालते हैं। दोस्तों, इस आवाज के प्रोनंसिएशन डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। यह पक्षी भारत के अलावा एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। एशियाई कोयल बर्ड बहुत चालाक होती है। इस प्रजाति की मादाएं खुद के घोंसले कभी नहीं बनाती हैं, बल्कि वे अपने अंडों को किसी दूसरे पक्षी के घोंसलों में रख देती हैं। एशियाई नर कोयल गहरे नीले और काले रंग के होते हैं, जबकि मादा का रंग भूरा और इसके पंखों पर धब्बेदार पैटर्न बने होते हैं। रोज ब्रिस्टेड ग्रॉस बीक बर्ड। दुनिया की सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक रोज ब्रिस्टेड ग्रॉस बीक बर्ड है। ये दिखने में आकर्षक होती है और बीज खाने वाली सिंगिंग बर्ड है, जो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। इसका शरीर काले और सफेद रंग का होता है। रोज ब्रिस्टेड ग्रॉस बीक बर्ड की लंबाई 22 सेंटीमीटर और पंख 30 सेंटीमीटर के होते हैं। इसका वजन 65 किलोग्राम तक होता है। नर पक्षी पेड़ की शाखाओं पर बैठते हैं और गाते हैं, जबकि मादा घोंसलों का निर्माण करती है और गाती है। आपको बता दें, ये पक्षी सर्दियों में भोजन की तलाश में मध्य और दक्षिण अमेरिका में चले जाते हैं। रोज ब्रिस्टेड ग्रॉस बीक बर्ड बड़े झुंडों में प्रवास करते हैं। हालांकि वनों की कटाई के कारण इनकी संख्या काफी कम हो रही है। अमेरिकन रॉबिन बर्ड। दोस्तों, अमेरिकन रॉबिन बर्ड को रॉबिन
रेड ब्रिस्ट बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्यादातर उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, जो कि एक प्रवासी पक्षी है। ये सर्दियों में दक्षिणी कनाडा से पलायन करके मेक्सिको और प्रशांत तट तक चली जाती है। अमेरिकन रोबिन अलग अलग आवाज निकालने में सक्षम होती है। रोबिन की लंबाई 28 सेंटीमीटर और इसके पंख 41 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। अमेरिकन रोबिन नर और मादा दोनों पक्षियों के शरीर का रंग नारंगी होता है, जो काले और गहरे भूरे रंग के पंखों से ढका होता है। हालांकि नर महिलाओं की तुलना में ज्यादा हल्के रंग के होते हैं। यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे आकर्षक पक्षियों में से एक माना जाता है। और ये पक्षी बहुत सुंदर और मधुर गीत भी गाते हैं। सॉन्ग थ्रश बर्ड। दोस्तों, दुनिया के सबसे सुंदर सिंगिंग बर्ड की लिस्ट में अगला नाम अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए जाने वाली पक्षी सॉन्ग थ्रश बर्ड का आता है। इस पक्षी को स्टॉर्म कॉक भी कहते हैं। इसका शरीर सफेद होता है, जिस पर गहरे ब्राउन रंग के धब्बे और हल्के काले रंग के पंख होते हैं। ये पक्षी पेड़ों की ऊपरी शाखाओं पर ग्रुप में इकट्ठा होते हैं, फिर एक साथ गाना गाते हैं। सॉन्ग थ्रश का वजन 110 ग्राम तक और इसकी लंबाई 10 इंच तक हो सकती है। ये मधुर आवाज के साथ ही अलग तरह की आवाजें निकालने के लिए भी जानी जाती है। चैनल बिल्ड कुकू बर्ड। कोयल की प्रजातियों में से सबसे बड़ी चैनल बिल्ड कुकू बर्ड ही है। इसकी लंबाई 65 सेंटीमीटर और पंख 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यू गिनी में पाई जाती है। चैनल बिल्ड कुकू प्रजनन के मौसम में अपने साथी को पहचानने और आकर्षित करने के लिए अपनी मधुर आवाज से गाना गाती है। ये भी दूसरे पक्षी के घोंसलों में अपने अंडे देती है। फल इनके आहार का एक मुख्य स्रोत है, लेकिन ये छोटे कीट पतंगों का भी शिकार करती है। चैनल बिल्ड कुकू बर्ड की आवाज की वजह से इसे सबसे मधुर गाना गाने वाली पक्षी माना जाता है। ब्लैक बिल्ड मैगपाई। दोस्तों, ब्लैक बिल्ड मैगपाई को अमेरिकन मैगपाई के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कौवे की प्रजाति का पक्षी है, जो कि अमेरिका में पाई जाती है। इसकी पूंछ की लंबाई इसके शरीर की कुल लंबाई के आधे के बराबर होती है। यह पक्षी अपना घोंसला पेड़ की ऊंचे टहनियों पर बनाते हैं, जो कि देखने में एक गुंबद के आकार का लगता है। उनका प्रजनन मार्च से जुलाई तक शुरू होता है और वे एक समय में 6 से 7 अंडे देते हैं। इस पक्षी की सबसे खास बात यह है कि ये अपने आसपास के पक्षियों की आवाज की नकल कर सकते हैं। येलो टेल्ड ब्लैक कैक्टू। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अधिकतर येलो टेल्ड ब्लैक कैक्टू पीले रंग के नहीं बल्कि काले रंग के होते हैं, जिनके गाल थोड़े पीले रंग के होते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये पक्षी अपनी मधुर आवाज के लिए भी जाने जाते हैं। येलो टेल्ड ब्लैक कैक्टू की ऊ की आवाज निकालते हैं। ये आवाज डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, आप वहां भी देख सकते हैं। ये हर समय एक अलग आवाज निकालते हैं, जैसे कि भोजन की खोज के समय अलग और खतरा महसूस होने पर अलग आवाज निकालकर अपने साथियों को अलर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, ये दुनिया में सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक है। हाउस स्पैरो पक्षी। हाउस स्पैरो पक्षी स्पैरो परिवार का एक पक्षी है, जो कि दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पक्षी की लंबाई 16 सेंटीमीटर और वजन 39 ग्राम तक हो सकता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक सामाजिक पक्षी है, और इसलिए मानव बस्तियों के आसपास ये आसानी से देखी जा सकती है। हाउस स्पैरो को कॉमन स्पैरो या भारत जैसे देशों में गौरैया के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रजाति के नर आमतौर पर अपने साथी को आकर्षित करने के लिए अपनी मधुर आवाज का इस्तेमाल करते हैं। हाउस स्पैरो को दुनिया की
सबसे बेस्ट सिंगिंग बर्ड में से एक माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट छोटूनाई.com पर भी विजिट कर सकते हैं।